सूबे के प्रधानमंत्री के आगरा आगमन को देखते हुए हर बुरी चीज उनसे छुपाई जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये एक झुग्गी झोपड़ी है जहां पर गरीब लोग रहते थे, लेकिन उस झुग्गी झोपड़ी को लाल कपड़े से ढक दिया गया है ताकि किसी को भी ना पता चले कि यहाँ पर पीछे कुछ गरीब लोग भी रहते थे। हालांकि ये जगह जूता मंडी है जो मायावती ने 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर तैयार की थी। बात करते हैं हम यहाँ के रहने वाले लोगों से। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, ये झोपड़ी आपकी यहाँ पर थी या आगे तक थी? हमारी झोपड़ी आगे थी थोड़ी सी जी, तो उन्होंने पीछे करा दी गई हमारी। पीछे करा दी और ये कपड़ा लगा दिया। हाँ जी, ताकि किसी को दिखाई ना, कोई दिखाई नहीं दे, और ये हमारे घर मतलब गरीबी नहीं दिखाई दे हमें किसी को। कितने साल से आप लोग कर गए ये काम? हमें करीब हो गए 10 साल का, इससे ऊपर ज्यादा हो गए। 10 साल से आप यहाँ गए? हाँ जी। माता जी, आप लोगों को कितनी परेशानी हो गई ये बंद होने से एकदम से? अब बेटा परेशानी है, मोदी साहब आ रहे हैं इसीलिए हम तो कह देंगे यहाँ में कोई दिक्कत ना है। हाँ। लेकिन आप ये बताइए, मोदी जी को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कैसे गए, आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे? तो हमारे तो गरीब आई है, गरीब आई कोई जगह नहीं रहने को, और बच्चे लड़कियाँ 5-6 कोई किराए पे घर देता नहीं है, 6-7 लड़कियाँ। कितने साल से गए आप लोग यहाँ? हम यहाँ से 4-5 साल से रह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों को, तमाम लोगों को रोक दिया गया है और किसी के भी बारे में पीएम ना जान पाए। हालांकि इस रास्ते से पीएम को गुजरना नहीं है, तब भी ऐसा किया गया है। इसके साथ ही आगरा में एयरपोर्ट से लेकर कोठी मीना बाजार तक आने तक जितने भी मार्ग हैं, सभी मार्गों पर प्रधानमंत्री के रास्ते में आने वाली झुग्गी झोपड़ियाँ या तो हटा दी गई हैं या उन्हें इसी तरह से मखमल से ढक दिया गया है। आगरा से ईटीवी भारत के लिए मैं अविनाश जायसवाल।